हेलो दोस्तों खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में बासठ त्राससी का बोर्ड है और लास्ट वीडियो हमने इसी के ऊपर बनाई थी आपको इसके कनेक्शन को बताया था आपको इसका डायग्राम के जरिए से समझाया था आपको डायग्राम में दिखाया भी था कि किस तरीके से आप बासठ त्रासी आई के बोर्ड के कनेक्शन कर सकते हैं अब दोस्तों उसमें आपके कॉमेंट आए थे कि सर आप इस की जो है वायरिंग करके दिखाएं इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखाएं जिससे कि हमें कनेक्शन समझने में कोई भी दिक्कत ना आए तो आज मैं आपको इस बासठ तिरासी बोर्ड के कनेक्शन करके दिखाने वाला हूँ जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से आप अपने बासठ तिरासी बोर्ड के कनेक्शन को कर सकते हैं एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये आप देख लीजिए पहले एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आई के जो नंबर हैं जो नाम लिखा हुआ है वो अंदर की तरफ है और ये साइड जो हमारी पीछे की है आई की इस चीज़ को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अब आप मैं आपको पिने गिन के बताने वाला हूं ठीक है और पिने में इसलिए गिनवा रहा हूं ताकि आप जब कनेक्शन करें तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए आप एक मिनट के अंदर कनेक्शन कर लें अपने प्रिंट को पहचान कर ठीक है तो यहां पर देख लीजिए इसके जो पिने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है टोटल ट्वेल्व पिने हैं और अब मैंने आपको ये पिने गिन के बताई हैं तो अब आप आपको बताता हूँ कि इसको कनेक्शन कैसे करना देखिए जो ट्वेल्व नंबर की पिन है ये हमारी प्लस वोल्ट के पिन है जो हमारे बारह वोल्ट होते हैं प्लस में तो रेड कलर वाली जो वायर होती है बारह वोल्ट में दो वायर होती हैं एक ब्लैक एक रेड रेड जो होती है वो प्लस की होती है और ब्लैक जो होती है वो माइनस वोल्ट की होती है अब जो, जो, जो हमारी ब्लैक वाली सॉरी दोस्तों अब जो हमारी रेड कलर वाली वायर है उसको आपको यहाँ पर लगाना है ट्वेल्व नंबर की पिन पर आप यहाँ लगा दें या फिर इससे जो प्रिंट आ रहा है इस तरफ को यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं ये हमारी कौन सी वायर दो दोस्तों प्लस वोल्ट की ठीक है तो मैं इसको पहले तो लगा लेता हूँ मेरे पास में एक वायर भी है काफ़ी आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इस तरीके से आप कनेक्शन करें अपने बोर्ड के कनेक्शन कर गरें। लेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी तो मैं इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ कनेक्शन करना ठीक है तो ये हमने इसकी प्लस की जो वायर है उसको लगा दिया माइनस की वायर दोस्तों आपको कहाँ लगाना चलिए बता देता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये जो सिक्स नंबर की पिन है ना इससे इस पर आप माइनस की यानी कि नेगेटिव बोल्ट की वायर लगा सकते हैं या फिर इससे जो प्रिंट यहाँ तक आया है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इतनी जगह पर आप माइनस की वोल्ट लगा दें ये नेगेटिव वोल्ट का प्रिंट है यहाँ पर आप माइनस की वायर को लगा सकते हैं या फिर इससे प्रिंट से, से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रिंट और आया है जो कि हमारा है सेवन एट नाइन नाइन नंबर की पिन पर जो आया है हमारा प्रिंट ये भी नेगेटिव वोल्ट का यहाँ पर भी आप ब्लैक वाली वायर को वर लगा सकते हैं या फिर इसके आगे जो प्रिंट आया है वो कुछ इस तरह का है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पर ये यह यह प्रिंट कहाँ आया है देखिए यहाँ पर यहाँ ये यह भी नेगेटिव वोल्ट है और इसके आगे यहाँ से होता हुआ जो आया है ये भी नेगेटिव वोल्ट है तो यहाँ पर इतनी सारी जगह में आप कहीं भी लगाते हैं ये सब जगह नेगेटिव वोल्ट है ठीक है तो मैं फटाफट से नेगेटिव वोल्ट की वायर को इस जगह लगा लेता हूँ क्योंकि मैं बाहर की साइड में इसलिए लगा रहा हूँ ताकि देखने में ना बोर्ड अच्छा लगे जब आप वायरिंग करते हैं तो आप आई से हटा के अगर वायरिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इससे क्या होगा कि आपकी आई में शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस कम हो जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें अगर ज़रूरत ना हो तो आप आई की पिन पर किसी भी तरीके की वायर की सोल्डरिंग ना करें वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके हमें मोटिवेट करें जिससे कि हम आके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ तो ये वायर आप देख लीजिए मैंने लगा दी है ये वायर हो गई हमारी बैटरी वाली इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी बारह वोल्ट की बैटरी से इसको चला सकते हैं एस से चला सकते हैं और अपना जो ट्रांसफार्मर का ही ब्रोजेक्टिफायर होता है इस पर भी आप लगाकर चला सकते हैं क्योंकि ये भी 12 वोल्ट का है अगली वायरिंग करेंगे हम स्पीकर की तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस आईसी में डबल स्पीकर के कनेक्शन आप कर सकते हैं यानी कि एक साथ दो स्पीकर चला सकते हैं और एक साथ दो स्पीकर को कंट्रोल भी कर सकते हैं तो इसलिए हम इसमें डबल स्पीकर के ही कनेक्शन करेंगे तो टोटल मैं चार वायर को ले लेता हूँ ये वायर हमने ले ली है डबल स्पीकर के लिए ठीक है क्योंकि हम डबल स्पीकर ही बजाकर आपको दिखाएंगे जिससे कि आप भी अपने बोर्ड के कनेक्शन अच्छी तरह से कर लें ठीक है देखिए वन टू ये जो टू नंबर की पिन है ना ये हमारे स्पीकर की आउटपुट की है तो आप इसकी प्रिंट को देखिए ये प्रिंट कहाँ जा रहा है ठीक है ये प्रिंट आया यहाँ पर यह आया कैपसीटर पर इस वाले कैपसीटर पर आया इस कैपेसिटर की आउटपुट की जो पिन है वो ये है तो पहली वायर तो आपको एक स्पीकर की यहां लगाना है ठीक है मैं फटाफट से लगाता हूं और सोल्डर भी बहुत ज्यादा है सोल्डिंग आप बहुत तसल्ली से करें बिल्कुल जल्दबाजी ना करें सोल्डिंग करने में मैंने वायर को लगा दिया है अब इसकी जो दूसरी वायर है ना दोस्तों वो ये जो ग्राउंड का प्रिंट मैंने आपको बताया था तो आप ग्राउंड पर लगा दें देखिए वायर को लगा दिया हमने अब दोस्तों आपको दूसरे स्पीकर के वायर कैसे लगाना है देखिए दूसरे स्पीकर के लिए आप यहाँ से पिन्हें गिने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो टेन नंबर की पिन है यही हमारे दूसरे स्पीकर की है तो यहाँ से ये यह आउटपुट में एक कैपसीटर होगा इसके आगे ये यह प्रिंट यहाँ आया है यहाँ पर दूसरा कैपेसिटर है जो कि हमारा बड़ा वाला ये कैपेसिटर है ठीक है ये कैपेसिटर हमारा दूसरे स्पीकर के लिए है इस कैपेसिटर के आउटपुट जो है दोस्तों वो आउटपुट है ये और यहाँ से इसका प्रिंट आया है यहाँ तक यहाँ पर आके ये रुक गया यहाँ पर कहीं आगे नहीं गया है तो इस प्रिंट पर हमें दूसरे स्पीकर की जो वायर है उसको लगाना है ठीक है यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमारे स्पीकर में साउंड बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ आएगी और अगर आप इसके पीछे लगा देंगे तो जाहिर सी बात है जब आप कैपेसिटर से आउटपुट नहीं लेंगे तो फिर आपकी जो ऑडियो होगी जो आवाज होगी वो फटी फटी आएगी साफ नहीं आएगी देखिए ठीक है इस वायर का भी दूसरा कनेक्शन मैं ग्राउंड पर लगाऊंगा तो इसके बराबर से यहाँ पर लगा देता हूँ क्योंकि ये भी ग्राउंड का ही प्रिंट है ठीक है आपको एक वायर उसमें लगाना है आउटपुट में जो इस आई से आई है और दूसरे वायर ग्राउंड में लगाना है तभी आपका स्पीकर वर्क करेगा ठीक है आपको हमेशा याद रखना है आउटपुट के बाद जो दूसरी वायर होगी वो नेगेटिव वोल्ट पर लगाना है प्लस पर नहीं लगाना नहीं तो आपकी आईसी या स्पीकर दोनों में से एक चीज़ ख़राब हो जाएगी कनेक्शन हमने कर दिए हैं स्पीकर के देख सकते हैं आप स्पीकर की वायर भी आ गई पावर की अब हम वायर के कनेक्शन करते हैं वॉल्यूम के तो वॉल्यूम कनेक्शन कैसे करना चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए दोस्तों मैंने वायर को ले लिया है और मैंने ये तीन वायर इसलिए लिए क्योंकि मैं सिंगल टोन वाला जो वॉल्यूम है इससे दोनों चैनल डबल चैनल को चलाने वाला हूँ अब दोस्तों इस सिंगल वॉल्यूम से डबल चैनल को आप चला सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों चैनल को अलग अलग एडजस्ट करें यानी कि एक की आवाज़ कम हो दूसरे की ज़्यादा हो या फिर दूसरे की कम हो पहले की ज़्यादा हो या तो आपको डबल वॉल्यूम का इस्तेमाल करें या फिर डबल टोन में वॉल्यूम ले लें ठीक है दो वॉल्यूम लेंगे तो उसमें यह होगा कि आपको बैलेंस के लिए अलग से लगाने की वॉल्यूम की जरूरत है नहीं लेकिन अगर आप डबल टोन के वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक वॉल्यूम और चाहिए जो कि बैलेंस के लिए होगा वो ज़रूरी है वरना आपको दोनों चैनल अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो मैं फिलहाल सिंगल टोन वाले वॉल्यूम का ही इस्तेमाल करूँगा जो ब्लैक वाली वायर है उसको आपको फिर से वहीं ग्राउंड पर लगाना तो हमारा ग्राउंड ये है हम यहीं लगा लेते हैं ग्राउंड मतलब नेगेटिव वोल्ट ठीक है तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ पहले तो ब्लैक वाली वायर को देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है आप देख सकते हैं ठीक है ग्राउंड की जो नेगेटिव वोल्ट की वायर है उस पर मैंने ब्लैक वाली वायर को यहाँ पर लगा दिया अब हमारे पास बची हैं दो वायर एक ब्राउन कलर की एक रेड कलर की तो ये दोनों वायर हम एक एक चैनल पर लगाएंगे अब इसके चैनल की आउटपुट कौन सी है वो भी मैंने आपको बता रखा है देखिए ये दो जो रेस्टेंस है ये इनपुट के लिए ठीक है थीके? तो इस पर आप लगाएंगे अच्छा दोस्तों यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि इनपुट आउटपुट क्या है देखिए दोस्तों ये जो पोटेंशियल मीटर यानी कि वॉल्यूम है इस पर आप ये समझ लीजिए कि इसकी तीन लेग कैसे हैं ठीक है तो ये पहली लेग आपकी इनपुट की है दूसरी आउटपुट की तीसरी नेगेटिव वोल्ट की हो गई अब ये आप समझ लीजिए कि इस पर आप इनपुट देंगे अपने ऑक्स से या फिर ब्लूटूथ कार्ड या जिस भी चीज़ से आप देना चाहते हैं बीच वाली पिन है आपकी आउटपुट की अब यहाँ से आप वायर को उठाएंगे यानी कि आउटपुट करेंगे तो वो आउटपुट की जो वायर होगी वो आपको यहाँ पर देना इस रजिस्टेंस पर इन दो पर ठीक है और ये दो अलग अलग चैनल की हैं ये आप ध्यान रखें ठीक है किसी एक पर पावर देंगे तो दूसरा चैनल नहीं चलेगा इसलिए आपको दोनों पर पावर देना होगी इसीलिए ऑडियो में लेफ्ट राइट होता है स्टीरियो में लेफ्ट होता है राइट होता है हमारी जो वायर है ना ये दोनों एक हमें यहाँ पर लगाना है इस रजिस्टेंस पर और दूसरी हमें इस पर लगाना है क्योंकि ये दोनों क्या हैं आउटपुट के मतलब सॉरी इनपुट के लिए हैं बोर्ड के लिए बोर्ड में यहाँ से पावर आती है ऑडियो की ठीक है तो मैं इस पर वायर को लगा लेता हूँ देखिए मैंने एक चैनल की जो वायर है उसको लगा दिया है सोल्डिंग थोड़ी सी हल्की सी बाहर को है तो उसको हम ठीक कर लेते हैं देखिए ठीक है देखिए दोस्तों मैंने इस वायर का कनेक्शन कर दिया है आप देख सकते हैं ठीक है तो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इस साइड से मैं टोन को भी लगा लेता हूँ जिसमें जो ब्लैक वायर है ना उसको आपको इस साइड में लगाना है ठीक है ये आप समझ लीजिए ब्लैक वायर जो है आपको यहां पर लगाना है ठीक है इस तरह से अब आपके पास जो ये दो वायर बच गए हैं ब्राउन और रेड तो इन दो वायर को आपको एक साथ लगाना है अगर आप सिंगल वाला वॉल्यूम लगा रहे हैं तो डबल वॉल्यूम लगा रहे हैं तो आपको क्या करना है एक वायर इस वॉल्यूम पर लगाना है दूसरी वायर दूसरे वॉल्यूम पे लगाना है और दूसरे वॉल्यूम पे भी सेम इसी तरह से वायर लगाना है आपको नेगेटिव वोल्ट की यानी कि ग्राउंड की ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंगल वॉल्यूम का यूज़ कर रहे हैं तो हम दोनों वायर एक ही जगह लगाएंगे ये हमारी इनपुट वाली पिन है इस पर हम कोई भी वायर नहीं लगाएंगे तो मैं दोनों वायर को एक जगह करके यहाँ पर लगा देता हूँ अब हमारे कनेक्शन जो है वो पूरे हो गए यानी कि कंप्लीट हो गए हैं ये वायर जो है ये तो हम लगा देंगे ब्रिज फायर में इसके बाद जो ये वायर हो गई ये हमारी हो गई स्पीकर की वायर तो इसमें यहाँ पर हमें दो स्पीकर लगाना है ठीक है एक स्पीकर ये दूसरा स्पीकर ये अब जो हमारी ये वायर आ गई ये वॉल्यूम की आ गई अब दोस्तों पावर आप यहाँ से देंगे स्पीकर आप इससे चलाएंगे और आप आवाज़ इससे कंट्रोल करेंगे ये आप ध्यान रखिए कि इस कनेक्शन में कहीं भी बास ट्रेबल्स का कनेक्शन नहीं है इसके साथ ही आप यहाँ पर इनपुट कैसे देंगे ऑडियो की चलिए वो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ हालाँकि अभी मैंने आपको बताया था फिर से बताता हूँ जो आपका वायर होती है ऑक्स की मान लीजिए या ब्लूटूथ की तो वो हमेशा दो वायर में होती है ठीक है दो वायर में होती है तो उन दो वायर में से जो बीच वाली वायर होती है यानी कि म्यूज़िक वाली वायर होगी लेफ्ट की या राइट right की वो वायर तो आप यहाँ वॉल्यूम पे देंगे ठीक है एक वायर देंगे दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे लेफ्ट राइट right की दोनों की आपको नहीं लगाना है एक लगाना है नहीं तो आपका कार्ड ख़राब हो सकता है अगर आप डबल वॉल्यूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लेफ्ट की यहाँ लगा दें राइट right की दूसरे वॉल्यूम पर लेकिन इसमें हमने क्या करा दोनों वॉल्यूम एक ही जगह यूज़ कर लिए हैं ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसमें सिर्फ एक ही वायर देंगे या तो लेफ्ट की या राइट की एक वायर आपको यहाँ लगाना है और दूसरी जो जिस चीज़ से आप दे रहे हैं ऑक्स से दे रहे हैं तो उसमें भी ग्राउंड होता है और अगर आप किसी कार्ड से दे रहे हैं उसमें भी ग्राउंड होता है तो जो दूसरी ग्राउंड की वायर होगी उसको आपको डायरेक्ट यहाँ पर ग्राउंड पर कनेक्ट करना है ग्राउंड पर नहीं कर रहे हैं तो आप वॉल्यूम पर कनेक्ट कर दें ठीक है ये आप ध्यान रखें कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हमिंग आएगी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में मतलब म्यूज़िक तो आएगा ही नहीं हल्का फुल्का आएगा बाकी तो हमिंग ही हमिंग आएगी तो इस तरीके से जो है इस बासठ ट्रासी बोर्ड के कनेक्शन को किया जाता है अगर आप इसको और बढ़िया तरीके से चेक होता हुआ बचता हुआ देखना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखें उसमें आपको सब कुछ तसली से चेक करके दिखाऊंगा